अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज मैं दोबारा अजमेर नगरी वाली नर्सरी पर मौजूद हूँ। कुछ प्लांट्स मुझे चाहिए थे, तो उस हवाले से मैं यहाँ आया हुआ था। तो काफ़ी अर्से बाद आया हूँ। प्लांट्स जो इन्होंने पहले लगाए थे, उनकी माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी हरे भरे नर्सरी हो गई है। तो कुछ यहाँ पर अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आई, सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। और सबसे पहले तो खैर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। पोर्टलाका इनके पास लगी हुई है, और इसमें इसका तो खैर सीज़न जा रहा है क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे कलर्स हैं। आप लोग चाहें तो एक एक सिंगल सिंगल कलर ले सकते हैं इनसे, कटिंग की आप इनसे बात कर सकते हैं, या पॉट्स भी ले सकते हैं। तो आपके पास मेरे ख्याल से 4-5 कलर्स निकल आएंगे, तो ले सकते हैं और इनको संभाल के रखें। सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाती है, अगर कराची से हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो फिर मुश्किल है। तो कराची के टेम्परेचर के लिहाज से ये सर्वाइव कर जाएगी, तो आप इसको फिर नेक्स्ट ईयर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने आपको दिखाया कि एक ही जगह से आपको कलेक्शन अच्छा मिल जाएगा। तो अच्छा, आगे चलते हैं। जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर इनके पास ये गुलाब के पौधे रखे हुए हैं। आई गेस इसमें से कुछ पुराने भी होंगे, कुछ नए भी होंगे। तो पुराने दिखाने का मकसद ये है कि मैच्योर हो चुके हैं, और जो नए प्लांट्स होते हैं उस तरह से कमज़ोर नहीं है, मैच्योर हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स हो गई होंगी। तो आप लोग लेना चाहें ले जाएं, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सब में फूल खिल रहे हुए हैं तकरीबन, जिसमें फूल नहीं है तो उसमें बर्ड्स बन रहे हैं। तो ये एक मुझे अच्छा लगा, जैसा ये आपके सामने है, अच्छी प्रोग्रेस है, बेहतर है। जब आप लोग इसको और अपने घर पर जाके केयर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये है, और पॉट साइज़ में दिखा दूँ, गमले में लगे हैं, थैली में नहीं है। गमले में ये आपका मेरे ख्याल से 7 इंचेस का पॉट होगा, ये 8 इंचेस का, 7 इंचेस ऐसे कुछ होगा। तो ये गुलाब के पौधे रखे हैं, ये मुझे अच्छे लगे यहाँ पर, और ये सारे आगे लाइन से भरे हुए हैं। और आगे मैं दिखाता हूँ एक और मुझे अच्छा कलेक्शन नज़र आया यहाँ पर। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर लेमन के प्लांट्स रखे हुए हैं इनके पास, और वही जो हमारा जिसको चाइना लेमन कहते हैं या क्या कहते हैं, जो भी है, ग्राफ्टेड है ये, उसके प्लांट्स रखे हैं, गमले में लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि इनमें फ्रूट बन रहा है, ये देखिए सब में। तो जो लोग डाउट होता है जिन लोगों को कि इसमें फल बनेगा ये नहीं बनेगा, क्या चक्कर है, तो ये देखिए इनके पास सब में फ्रूट्स बने हुए हैं। तो आप लोग चाहें, अगर आपको लेना हो तो यहाँ से वेरीफाइड प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। वेरीफाइड क्या कि इनमें फ्रूट बना हुआ है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें कब फल आएगा। ये देखिएगा, ये एक प्लांट है जिसमें बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पर मुझे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे इनकी हेल्थ होगी उस लिहाज से ये बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ कुछ पॉट्स रखे हुए हैं लेमन के, और आगे भी कलेक्शन है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ रखे हुए हैं, ये सारे इनके लेमन के हैं, फ्लावर्स आए हुए हैं, फ्रूट्स बन रहा है, फ्रूट्स बन रहे हैं इसके अंदर। तो जो लोग लेना चाहे ले लें, जो लोग नॉर्थ कराची में रहते हैं ये उनके लिए मशवरा है, क्योंकि अगर आप किसी और एरिया से हैं तो आपके लिए फिर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा डिलीवरी चार्जेस की वजह से। तो जो लोग नॉर्थ कराची में रहते हैं उनको मेरी तरफ से ये सजेशन थी, वो आएँ विज़िट करें तो ज़्यादा अच्छा है, ख़ुद अपनी पसंद के प्लांट्स लें। डिलीवर भी शायद ये लोग कर देंगे, वो उसके लिए आपको फ़ोन नंबर पर इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ, आप उस पर उनसे रब्ता कर लीजिएगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।